क्या है मतलब राइट्स क्या होते हैं फिर भी थोड़ा बहुत तो जो अपने को लीगली प्रोवाइड करवाया जाता है किसके द्वारा राज्य द्वारा जो लीगली प्रोवाइड करवाया जाता है वो अपने क्या होते हैं अधिकार होते हैं तो लीगली जो प्रोवाइड नहीं कराया जाता वो अधिकार नहीं होते होते हैं वो भी होते हैं तो फिर तो फिर लीगल बोलना अपने लिए जरूरी है क्या तो फिर लीगल बोलना जरूरी नहीं है ठीक है जो करने योग्य काम होते हैं वो क्या होते, होते हैं अधिकार कहलाते हैं जो करने योग्य कार्य होते हैं वो अधिकार कहलाते हैं ये बात बोलता है ग्रीन क्या बोलता है जो काम करने योग्य होते हैं राज्य अपने को अनुमति दे दे कि आप ये कर सकते हो वो अधिकार कहलाते हैं अब सिंपल अपन अधिकार को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल ये है कि अपन ये सोचें कि कोई बच्चा है जिसको बचपन से ही एक कमरे में बंद रखा गया है उसका नाना दोना खाना पीना सब उसी रूम में होता था कभी उसके बाहर की हवा ही नहीं लगाई गई अब पहली बार उसको बाहर निकाला गया तो वो सात आठ साल का हो गया अब आप बताओ वो कैसा होगा कुछ समझ दिया क्या वो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी इंटेलेक्चुअलिटी बिल्कुल नहीं होगी उसका शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं होगा उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा तो अधिकार क्या हो गए अधिकार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है अधिकार क्या है ऐसे तत्व हैं एलिमेंट्स हैं जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है अब देखो अधिकार क्या होते हैं आप ये देखते हो कि एक चीज जो अपने देश में अधिकार हो सकती है हो सकता है वो दूसरे कंट्री में अधिकार नहीं है ठीक है कल्चर के अकॉर्डिंग भी अधिकार बदल जाते हैं देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अधिकार बदल जाते हैं आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो जो फोरेन कंट्री में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है अपने यहाँ पर नहीं है ठीक है जैसे लिव इन रिलेशन में रहने की अनुमति अब दी गई है कुछ सालों पहले ऐसे एल के राइट्स अब दिए गए पहले उनके लिए राइट्स नहीं थे ठीक है तो अधिकार क्या होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं तो अधिकार वो होते हैं जिन्हें समाज अनुमति देता है अपना समाज अनुमति नहीं दे तो अधिकार नहीं बन सकता है ठीक है जैसे एलजीबीटी को अधिकार दिया गया अब एलजीबीटी समझते हो ना तो एलजीबीटी को राइट्स दिया गया तो ये राइट्स ऐसे मानो कि आज से 20 साल पहले दिया जाता तो अपना समाज अनुमति देता क्या सोसाइटी तो अनुमति नहीं।, नहीं देती ये, इसके ये, लिए एल जी बेटी ठीक है जैसे आजकल होता है ना लड़की लड़की शादी कर लेती है लड़का लड़का शादी कर लेते हैं वो अनुमति दे दी गई तो वो समाज ने समर्थन दिया इसलिए राज्य ने अनुमति दे दी ठीक है तो अधिकार होते हैं समाज द्वारा समर्थित समाज मान्यता देता है समर्थन देता है समाज और राज्य ने मान्यता दे देता है ठीक है राज्य ऐसा कोई अधिकार नहीं बना सकता है जो समाज द्वारा समर्थित नहीं हो समाज इसको नहीं माने ना वो कोई भी अधिकार राज्य नहीं बना सकता है ठीक है तो अधिकार क्या है अधिकार आत्मविकास के दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और राज्य द्वारा क्या होते हैं समर्थित होते हैं राज्य समर्थन देता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ऐसे कैसे लिखी जाती है अधिकार क्या होते हैं तो अधिकार समाज द्वारा मान्यता दी जाती है समाज जिन्हें मानता है उन्हें राज्य अधिकार की मान्यता देता है ठीक है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जो व्यक्ति के पूर्ण आत्म विकास के लिए आवश्यक है लास्ट की जब भी कोटेशन आएगी तो अपने को यह वाला वर्ड मिलेगा कौन सा पूर्ण आत्म विकास के लिए आवश्यक होते हैं अधिकार ठीक है इनके बिना पूर्ण आत्म विकास नहीं हो सकता एग्जाम्पल दिया मैंने जैसे आपको कि किसी बच्चे को बाहर ही नहीं निकाला जाए तो उसका आत्म विकास हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अंडरलाइन कर लो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना वो आप भी अंडरलाइन कर लो समझने के लिए ठीक है सामान्यतः अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं सामान्यतः अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं राइट्स। भाई आपको अधिकार मिला तो राज्य के अगेंस्ट में हो गए ना आप अधिकार किससे मांगोगे राज्य से मांगोगे तो राज्य की शक्ति क्या हो गई कम हो गई और आपकी शक्ति क्या हो गई बढ़ गई ठीक है इस प्रकार अधिकारों की विशेषता क्या होती है अधिकारों का जन्म कहां पर होता है समाज में होता है ठीक है इनका कर्तव्यों के साथ में गणिश्त संबंध है कैसे भाई मेरा जो कर्तव्य है वो दूसरे का क्या हो जाएगा आप अपने अधिकार का पालन कर रहे हो तो दूसरे का क्या हो गया वो आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो दूसरे का अधिकार हो गया यही तो है आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे वही दूसरे का क्या है अधिकार तो अधिकारों का कर्तव्य के साथ में गणिश्ठ संबंध होता है जहां भी कोई लाइन समझ में नहीं आया पूछ लेना ना आप घर जाकर के भी पूरे नोट्स को रीड कर लेना कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना अधिकार स्वार्थ में दावा नहीं है स्वार्थ में खुद के लिए नहीं है ये क्या है समाज के लिए है ये सार्वजनिक हित के लिए होते हैं स्वार्थ के लिए नहीं होते अपने लिए नहीं होते किसके लिए होते हैं सार्वजनिक हित के लिए होते हैं समाज के लिए होते हैं कि समाज का हित बना रहे इनसे जैसे बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अपने को दिया गया है लेकिन अपन ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं जिससे कोई सार्वजनिक बाधा हो ठीक है जैसे गली के अंदर खड़े होकर के अपन गाड़ियां नहीं बक सकते हैं बोलना चालू कर दे बकना चालू कर दे सार्वजनिक हित के लिए होते हैं अधिकार राज्य अधिकारों का शिष्टा नहीं है शिष्टा कौन है फिर राज्य नहीं है तो निर्माता कौन है बनाने वाला कौन है समाज लो को भूल जाओ ठीक है लो राज्य बनाता है और राज्य वही लो बना सकता है जो समाज मान्यता देता, देता है समाज मान्यता नहीं दे तो राज्य कोई अधिकार बना सकता है कानून बना सकता है कभी नहीं बना सकता है महिलाओं की शादी की उम्र कितनी हो गई कितनी है अभी महिलाओं के लिए शादी की उम्र इक्कीस साल हो गई है पता है आपको पहले कितनी थी अठारह अच्छा। ऐसा अच्छा। 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 क्यों कर दिया राज्य ने अगर अट्ठारह ही होती तो समाज विरोध कर देता नहीं लेकिन समाज में अठारह अच्छा में शादियां नहीं होती अब तो समाज ने भी क्या कर दिया इसको जैसे ही समर्थन दे दिया वैसे ही राज्य ने क्या कर दिया इसके लिए कानून बना दिया तो राज्य कानून वही बनाता है जो समाज द्वारा समर्थित होता है राज्य कभी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिसको समाज मान्यता नहीं दे तो राज्य श्रेष्टा नहीं है श्रेष्टा कौन है समाज समाज से आते हैं कानून वो अधिकार हैं जो समाज से आते हैं अधिकार निश्चित होने चाहिए उनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए अधिकार वर्धनशील होते हैं वर्धनशील का मतलब ये बदलते रहते हैं गत्यात्मक होते हैं डायनेमिक होते हैं ये बदलते रहते हैं कैसे जैसे पहले 12 साल शादी की उम्र थी महिलाओं की फिर 14 साल हो गई फिर 18 साल हो गई अब क्या हो गई इक्कीस साल अब डिमांड हो रही है कि 24 साल होनी चाहिए तो अधिकार क्या होते हैं वर्धनशील होते हैं बदलते रहते हैं अधिकार संबंधित आज तक का सबसे लोकप्रिय विचारक कौन है लेस्ले लेल्ड के अनुसार अधिकार के चार तत्व होते हैं जिनसे अधिकारों की प्रकृति को पहचाना जाता है एक तो होते हैं विशेष अधिकार विशेष अधिकार किसको मिलते हैं अपन ने अरस्तु अर एक कोटेशन पढ़ी थी कि समाज में जो ज्यादा योग्य होगा उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त होंगे आई थी ऐसी लाइन ज्यादा योग्य होगा तो ज्यादा अधिकार वो ज्यादा अधिकारी है विशेष अधिकार है आप सड़क से जाते हो टोल देते हैं अपन सब गाड़ी का टोल कटता है जब टोल कटता है तो वहां पे लिखा हुआ आता है है कि इन इनका टोल नहीं लगेगा ठीक है? का MP का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इनके टोल नहीं लगेंगे वो क्या है उनके विशेष अधिकार हैं दावा अधिकारों का दावा किया जाता है कि समाज में ये चीजें बदल रही हैं हमें अधिकार ये वाला अधिकार चाहिए कोर्ट में जाते हैं लोग जैसे सोने का अधिकार खाने पीने शुद्ध हवा का अधिकार शुद्ध जल का अधिकार ऐसे दावा करते हैं कोर्ट में जा करके शक्ति अधिकारों को शक्ति से भी पहचाना जाता है शक्ति का भी पर्यायवाची होता है अधिकार कैसे ये प्रिविलेज ये क्या है एक प्रकार की विशेष अधिकार है किसी ना किसी को क्या मिली हुई है शक्ति मिली हुई है ऐसी प्रतिरक्षा ठीक है ये बता कौन रहा है अपने को कोई फील्ड ठीक है इम्यूनिटी नहीं इसका वर्ड कुछ और है है ना ठीक इम्यूनिटी नहीं होगा हिंदी में प्रतिरक्षा ही है तो ये चार विशेष अधिकार हैं के बस लास्ट की कोटेशन जहां भी आए अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो सबसे पहले अंडरलाइन करवाई है ना वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकार क्या होते हैं पूर्ण आत्मविकास के लिए आवश्यक होते हैं लास्ट की कोटेशन बहुत बार पूछी गई रोबर्ट नोजिक की किताब का नाम आया था पहले हाँ. एनआर की स्टेट एंड यूटोपिया कौन सी ईयर की बुक है 1974 हुँ. की और 71 में कौन सी बुक आई थी जिसके अगेंस्ट में ये वाली बुक लिखी गई है ठीक है ये किताब उसके अगेंस्ट में लिखी थी जॉन रोल्स की बुक आई थी 1971 में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उसके अगेंस्ट में ये बुक लिखी गई रॉबर्ट नोजिक की ठीक है इसके अंदर अधिकारों के बारे में बताते हैं व्यक्तियों के पास अधिकार है और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको कोई व्यक्ति या समूह छीन नहीं सकता है बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन किए यानी अपने से कोई व्यक्ति कुछ छीन छीनेगा ना तो इसका मतलब क्या क्या है है वो अपने छीन रहा है? अधिकार छीन रहा है तो जो व्यक्तियों के पास अधिकार है उस अधिकार को कोई भी आपसे ले नहीं सकता है। और आपसे ले रहा है इसका मतलब आपके अधिकारों का क्या हो रहा है उल्लंघन हो रहा है ठीक है इस बुक की पहली लाइन ये लिखी हुई लिखना है कुछ तुम सिलेबस वाइज है ना पहले चेक कर लिया करो कि तुम्हारे पास में इसमें कौन सा कंटेंट है कौन सा नहीं है मुझे लिख करके दे दो कि ये, ये कंटेंट नहीं है ठीक है ये नोट्स जो भी है ना वो अपनी यूनिट वाइज ही है तो जहाँ भी तुम्हें लगे कि ये वाला कंटेंट नहीं है वो लिख लो और मुझे दे देना यूनिट फर्स्ट का चलो लिख रही हो इसमें है ना नोट्स में तो तुम उसमें से लिख लेना घर पर ऐसे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे लिखोगे ना तो अपने सिलेबस ही कवर नहीं होगा ठीक है ना इसलिए नोट्स दिए क्यों गए नोट्स इसीलिए दिए गए हैं कि अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगे एक थिंकर है कारेल वासाक, कारेल वासाक की किताब का नाम है थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट तीन पीढ़ियाँ और मानवाधिकार एक ना आप इस चीज को भूल जाओ जो आप बोलते हो ना कि लिखने से ज्यादा वो चीज़ें याद होती हैं लिखने से वो अपने पहले होती जब लिखने वाली एग्जाम आती थी अब क्या करना है अपने को ज्यादा से ज्यादा एम सी क्यूज पी वाई क्यूज निकालना है आप जितने ज्यादा एम सी क्यूज निकालोगे ना जितने ज्यादा पुराने जो एग्जाम में लगे हुए पेपर हैं वो निकालोगे ना उतनी ज्यादा अप्रोच आपकी डेवलप होगी आपको आइडिया लगेगा कि क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ठीक है ना और नोट्स पूरा मत बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने अपनी लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट नोट्स जैसे करेलवासा करेलवासा क्या करता है उसके आगे तीन पॉइंट जैसे चिटिंग करने के लिए नहीं लेके चिट ले करके जाते हैं लेके गए हो कभी आज तक कभी भी नहीं लेके गए तो। नहीं आप तो बता सकते हो ना कौन सा कोई पकड़ने के लिए आएगा तो मतलब लेकर के तो गई हो फिर इसका मतलब ये बताएंगे थोड़े ना नहीं बता देते हैं कहीं मैं तो बता देता हूँ लेकर के गया था जो तो लेके जाते हैं वो बताता है मतलब कभी आप देखना जो चिटिंग करने के लिए लेकर के जाते हैं ना उनका कभी आप देखोगे ना आधा पेज होगा और वो आध्य पेज के ऊपर पूरी किताब होगी ना वो पूरी की पूरी किताब आ जाएगी उसके अंदर वो क्या है उसके शॉर्ट नोट्स हैं बस उसको किसी ने गाइड नहीं किया कि तेरे को बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाने आते हैं शॉर्ट तो नोट्स उन्हें कहते हैं तो वैसे आप नोट्स बनाने की कोशिश करो थिंकर का क्या नाम है कारेल अलवा ये याद रखने की जरूरत है चेक विद्वान का मतलब है चेक गणराज्य जो कंट्री है ना वहाँ का है ये किताब का क्या नाम है थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तीन मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियाँ अधिकार है ना ऐसे चलते हैं सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड के देश दूसरे सेकेंड वर्ल्ड का देश और फिर है थर्ड वर्ल्ड और आजकल फोर्थ भी हो गया भारत कौन से उसमें आता है थर्ड वर्ल्ड का देश है तीसरी दुनिया का देश है भारत तीसरे दुनिया के देश वो होते हैं जो विकासशील देश है ठीक है जो विकासशील देश है डेवलपिंग कंट्रीज है फर्स्ट वर्ल्ड में यूएसए सेकेंड वर्ल्ड में रूस ले लो आप ठीक है और पहले यूएसए सार हुआ करता था फोर्थ वर्ल्ड में डेवलप्ड वो कोर वाला वो बिल्कुल, बिल्कुल 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 मतलब अल्प ठीक है किस में है भारत थर्ड वर्ल्ड में आता है. अब इनमें अधिकारों की बात करेंगे ना यूएसए के अंदर अपन ने वो पढ़ा था ना समानता वाला टॉपिक पढ़ा था आपने न्याय पढ़ा था न्याय में ने पढ़ा दो प्रकार के न्याय ठीक है इधर प्रक्रियात्मक इधर तात्विक प्रक्रियात्मक न्याय को और कौन से अधिकारों से जानते हैं अपन कानूनी राजनीतिक अधिकारों से जानते हैं राइट इस वाले को सामाजिक आर्थिक न्याय सामाजिक आर्थिक अधिकार यानी में सबसे पहले कानूनी राजनीतिक अधिकारों की बात हुई फिर रूस के अंदर सामाजिक आर्थिक अधिकार और थर्ड वर्ल्ड में है ना ऐसे ऐसे अधिकारों की मांग होती है जो यूनिवर्सल टाइप के हैं यूनिवर्सल टाइप के कैसे जैसे ये अधिकार तो भारत में भी हैं लगभग हर देश में मिल जाते हैं यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जैसे पर्यावरण को बचाने का अधिकार पर्यावरण सबके लिए क्या है कहीं भी चले जाओ सब ये कहते हैं नहीं पर्यावरण को बचाना चाहिए तो यूनिवर्सल टाइप का राइट है ठीक है या जैसे मानव अधिकारों की रक्षा करना तो जैसे पर्यावरणीय अधिकार वो आते हैं इसके अंदर बिल्कुल तीन दुनिया तीन देश और तीन अधिकार तीन दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड तीन देश कौन कौन से यूएसए रूस और विकासशील और तीन अधिकार कानूनी राजनीतिक अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार अंडर डेवलप तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताया वसाक ने नहीं बताया अपन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं वसाक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि फोर्थ वर्ल्ड के कंट्री भी होते हैं ठीक है जैसे आपने कभी घर पे सुना होगा कि पहले भारत बहुत ही गरीब देश था अपने घर में भी बहुत गरीबी हुआ करती थी मतलब पैरों में पहनने की जैसे चप्पलें नहीं हुआ करती थी तो अभी भी ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका के जहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं चप्पलें नहीं हुआ करती उनके पास में इतना समझ में लिख लो एक बार आ गई होगी शायद पूछूँ आज डोंट वेट फॉर बेटर टाइम चले आगे अभी आ जाएगा आगे ह्यूमन राइट्स देखो सबसे पहले अधिकार कौन से हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार ठीक है ये किससे जुड़े हुई हैं? स्वतंत्रता से इसमें ये वाले अधिकार आते हैं सामान्यतः है, ये वाले अधिकार आते हैं ठीक है फिर देखो सेकंड राइट कौन सा है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार ये समानता से जुड़ा हुआ है ठीक है तीसरा कौन सा है एकजुटता का अधिकार ये किससे जुड़ा हुआ है बंधुता से जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व ये तीन नारे थे फ्रांस की क्रांति के ठीक है नहीं पता हो तो लिख लो फ्रांस की क्रांति के तीन नारे थे स्वतंत्रता समानता बंधुत्व हाँ इसमें क्या दे रखा है जो ब्रदरहुड होता है भ्रातृत्व ठीक है ये इस वाले में लिखा हुआ है हिंदी वाले में अंग्रेजी वालों के साथ में जस्टिस नहीं हो रहा तो अब की तो पेपर बढ़िया गया था तो बार भी बढ़िया ही जाएगा तो वैसे पता ही हो जाए तो फिर तो पढ़े क्यों ठीक है तो स्वतंत्रता से नागरिक राजनीतिक अधिकार जुड़ा हुआ है समानता से आर्थिक सामाजिक अधिकार और बंधुत्व से एकजुटता का अधिकार जुड़ा हुआ है ठीक है ये तीन अधिकार है जो कौन बता रहा है कार्यल वसाख ये ध्यान रखना है तीन दुनिया तीन अधिकार पहली दुनिया दूसरी दुनिया तीसरी दुनिया पहली दुनिया के अधिकार कौन से हैं नागरिक राजनीतिक अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार और तीसरी दुनिया के अधिकार है जो जैसे बताया एकजुटता का अधिकार पर्यावरणीय अधिकार वो सब किसके हैं तीसरी दुनिया के अधिकार है ठीक है अधिकारों का विकास कैसे हुआ सबसे पहले नैतिक अधिकारों की बात हुई कहां पर यूनान के अंदर ग्रीस में जब आप सुक्रात को पढ़ते हैं प्लेटो को पढ़ते हैं रस्तु को पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं न्याय क्या है सदगुण न्याय है ये बोलते हैं सदगुण ही न्याय है न्याय ही सदगुण है नैतिक अधिकार नैतिक अधिकार के बाद में कौन सा अधिकार आता है नागरिक अधिकार फिर राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकार फिर आर्थिक अधिकार फिर सांस्कृतिक अधिकार पर्यावरणीय अधिकार ये सिक्वेंस में याद करने अपने को जैसे सिक्वेंस दे रखा है ऐसे ही याद करने हैं लिख लो चाहे यहाँ पर कोष्टक में कि ये क्रम से याद करने हैं क्रम से पढ़ने हैं ताकि आपको पता रहे ठीक है विकास का मतलब यही है कि इनका विकास कैसे हुआ है क्रम से याद करना है तो सबसे पहले तो नैतिक अधिकार के बाद में नागरिक अधिकार नागरिक अधिकार के बाद में पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार फिर सामाजिक अधिकार आर्थि आर्थिक अधिकार आर्थिक के बाद में कल्चरल और एनवायरमेंट ठीक है इस सिक्वेंस में याद करने को मानव अधिकार क्या होते हैं देखो मानव अधिकार वो होते हैं जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मानव अधिकार यानी ऐसे तत्व होते हैं जो कि जिनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो सकता है जैसा लास्ट कहता है कि इनके बिना व्यक्ति का पूर्ण आत्म विकास नहीं हो सकता है उसमें विवेक नाम की चीज ही नहीं आएगी कभी यदि अधिकार नहीं मिले हुए तो ठीक है मानव अधिकार कैसे आते हैं देखो जब अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून में अंतर्निहित होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है मानव अधिकार कहा जाता है जब ये राष्ट्रीय कानून का हिस्सा होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं नागरिक और संवैधानिक अधिकार बोल देते हैं पिछले कुछ समय से मानव अधिकार के राजनीतिक पक्ष को भी महत्व दिया जा रहा है जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक द लो ऑफ पीपल लो एल ए डब्ल्यू लो पीपल कब आई थी आया था ना इस बुक का नाम चार किताबें थी उसकी जॉन रोल्स की कौन कौन सी थ्योरी ऑफ जस्टिस फिर सेवेंटी वन के बाद में हाँ द लो पीपल ठीक है फिर इन दोनों के बीच में एक बुक हो रही थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी जितनी भी उसकी आलोचनाएं हुई थी ना जितनी भी आलोचनाएं हुई थी जॉन रोल्स की उसका जवाब दिया था उसने पॉलिटिकल लिबरलिज्म में 1993 में फिर 99 में ये वाली बुक आई और फिर 2001 में कौन सी बुक आई है जस्टिस एज फेयरनेस आया था ठीक है तो अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब 2011 12 के लगभग हुई थी ठीक है द लोअर पीपल हम्म अभी कहेंगे ये भी खूपरी के लिए तो है ना भी जिनको अपन पढ़ते हैं इनकी तो बुक अभी 2022 में भी आई थी ठीक है तो जॉन रोल्स ने मानव अधिकार की राजनीतिक अवधारणा का वर्णन के बुक में इस पुस्तक के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संबंध है मैंने आपको यह भी बताया था कि जॉन रोल्स वैश्विक न्याय की बात करता है बताया था की बात और कौन कौन करता है जॉन रोल्स के अलावा जॉन रोल्स का एक स्टूडेंट है क्या नाम थामस ठीक है इसके अलावा मार्था किसके साथ काम किया था इन्होंने अमृत सेन के साथ में ठीक है और एक था चार्ल्स बिंज ये वैश्विक न्याय से जुड़े हुए विचारक है ठीक तो है तो वैश्विक न्याय से जुड़े हुए विचारक हैं ये अधिकारों का ऐतिहासिक विकास कैसे सिवा अधिकार कैसे दिए गए तो एक तो संहिता का मतलब होता है कानूनी किताब ठीक है हम हमुरावी की संहिता इसके बाद में आप देखोगे अशोक के शिलालेखों में भी अधिकारों का वर्णन है अशोक का नाम सुना है ना अशोक मान तो कलिंग विजय के बाद में इसने बहुत सारे शिलालेख छपवाए थे उनमें भी अधिकार दिए थे इसने जनता को 1215 में ब्रिटेन के अंदर मेगना कार्टा जारी किया गया था कार्टा क्या होता है वहां पर जो राजा था ना उसने कुछ अधिकार जनता को दे दिए उसे क्या कहा जाता है मेगना, मेगना, मेगना कार्टा तो दुनिया में आप कहीं भी देखोगे ना कहीं भी अधिकारों की बात हुई है तो उसको कहा गया ये कार्टा है जैसे भारत के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए बाघ तीन में तो उनको क्या कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है अधिकारों को ठीक है तो मेघना कार्टा कब का आया बारह पंद्रह में ठीक है कौन से देश में ब्रिटेन में सन ध्यान रखना ये सन इंपोर्टेंट है बारह सौ पंद्रह में ब्रिटेन में, में कार्टा जारी किया था मेघना कार्टा का सिंपल मतलब है कि जनता को अधिकार दे दिए राजा ने ठीक है बीज तुमने क्या लिखा यूनिवर्सल नहीं कॉस्मोपोलिटियन जस्टिस आएगा इसका या फिर ग्लोबल जस्टिस कर लो ठीक है ग्लोबल जस्टिस या कॉस्मोपोलिटियन जस्टिस दोनों वर्ड लिख लो ठीक है ये ध्यान रखना ना मेगना कार्टा और भारत का कार्टा किसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स भागपिन को ऐसे लिख लो ना जब मैं बता रहा हूँ ना तो आपको खुद से लिख लेने चाहिए अब ठीक है फंडामेंटल राइट्स भाग तीन में है, तो भाग तीन को फंडामेंटल राइट्स को भारत का मेघना कार्टा कहा जाता है ये नोट्स की कॉपी और मिल जाएगी चाहे इनको ऐसे कर दो ऐसे मतलब ये लगे कि हाँ पढ़ाई की है ठीक है ना इनकी तो और निकाल लेना फ़ोटो कॉपी यदि अच्छे अच्छे रखने हैं तो अपने को चलिए आगे ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है कब ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1688 में ब्रिटेन की क्रांति कब होती है 1688 में ऐसे मैंने आपको बताया था फ्रांस की क्रांति 1789, अमेरिकन क्रांति 1776। लिख लो आप एक जगह पर क्रांति अभी ब्रिटेन की क्रांति सोलह सौ अठासी ठीक है फ्रांस की क्रांति के आगे लिख लो ये हुई थी सत्रह सौ नवासी में सेवेंटीन एटी नाइन अमेरिकन क्रांति हुई थी 1776 सेवेंटी सिक्स और भी बता दो चार इसके बाद में अपन आते हैं सीधा रशियन रिवोल्यूशन में रूस की क्रांति 1917 चाइना की क्रांति 1949 फोर्टी नाइन ठीक है इतनी तो मेरे को भी इतनी आती है ठीक है और हालांकि अपन क्रांति का अपने टॉपिक अपने सिलेबस में फोर्थ यूनिट में वो पढ़ेंगे अपन ठीक है और भी क्रांति इस्लामिक क्रांति है, है क्यूबा की क्रांति है वो सब देखेंगे तो ये सोलह सौ सो अट्ठासी गौरवपूर्ण क्रांति फिर राजा ने क्या किया वहाँ पर कानून बनाने के लिए संसद बना दी लोगों को राइट दे दिया तो सिक्सटीन एटी नाइन में जो राइट दिए गए वो क्या कहलाते हैं बिल ऑफ राइट्स ये ब्रिटेन में दिए गए सिक्सटीन एटी नाइन में ठीक है फिर देखो फ्रांस की क्रांति होती है सत्रह सौ नवासी में और सत्रह सौ नवासी में जारी किया जाता है बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन फ्रांस की क्रांति के बाद में अमेरिका में क्रांति कब होती है 1776 में लेकिन वहां पर अधिकार हाथों हाथ नहीं दिए गए थे बाद में क्या किया गया संविधान में संशोधन किया गया और 1792 के अंदर यहाँ पर मौलिक अधिकार बनाए गए और लोगों को 10 संविधान संशोधन किए गए और मौलिक अधिकार बना करके वहां के लोगों को मूल अधिकार दिए गए अभी तक अधिकारों की बात हुई थी यहाँ पे शब्द आ गया मूल अधिकार मूल अधिकार क्या होते हैं अधिकार और मूल अधिकार में डिफरेंस होता है मूल अधिकार वो कहलाते हैं जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है और न्यायालय जिनका रक्षक होता है यानी डायरेक्ट है ना यदि मूल मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट अपन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जबकि और कोई कानूनी अधिकार इनका उल्लंघन होता है ना तो सबसे पहले अपन निचले न्यायालय में जाते हैं फिर वहां से अपील ऊपर जाती है इस तरीके से प्रोसेस होता है लेकिन मौलिक अधिकारों के तहत डायरेक्ट अपन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है ठीक है तो मूल अधिकार कब आए यूएसए के अंदर 1792 में भारत ने भी यहीं से लिए मौलिक अधिकार अमेरिका से फिर 10 दिसंबर 1948 डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के अंदर मानव अधिकार परिषद बनाई गई और मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई कब 10 दिसंबर 1948 को इसलिए 10 दिसंबर का दिन है ना मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा 11 जुलाई कब की आज कितनी हो गई नौ हो गई क्या ग्यारह जुलाई को पॉपुलेशन डे है विश्व जनसंख्या दिवस ठीक है और दुनिया की आबादी कितनी हो गई 800 करोड़ हो गई आठ अरब क्यों तो इतना आश्चर्य कैसे हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को तो वर्ल्ड की बात करेंगे ना अपन हाँ ठीक है आधी पॉपुलेशन तो, तो केवल एशिया और वो चाइना और भारत की है ठीक है तो दस दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है लिख लेना दस दिसंबर के दिन को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस कमेटी के द्वारा की गई रुजवेल्ट कमेटी रुजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिन्होंने यूएन ओ सब दिया था ये वाली बात है तुम्हें तुम कभी नहीं भूलो है जब भी रुजवेल्ट का नाम आता है तो ये वाली बात बताती हो नाम दिया था रुजवेल्ट ने मानव अधिकारों की आलोचना की जाती है किसके द्वारा ऐसे मूल्य बहुसंस्कृतिवाद अब यह क्या है देखना मानव अधिकारों की आलोचना करते हैं कौन एशियाई मूल्य दूसरा बहुसंस्कृति वादी ऐसे मूल्य मतलब अपने जो मूल्य हैं अपन भी एशिया के हैं अपन अधिकारों को नहीं मानते हैं क्यों नहीं मानते हैं क्या कारण है अभी थोड़े दिन पहले ना एक मूवी आई थी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ठीक है पता है नहीं पता नाम क्या बताया मैंने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे देखना कभी मौका मिले तो ठीक है अब तो उस पर नेटफ्लिक्स पे ठीक है ये क्या था अपन ये मानते हैं कि अपने यहाँ पर मानव अधिकार मतलब बच्चों का विकास कब होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास कब होगा जब वो माता पिता के साथ रहेंगे तब रहेगा माता पिता से अलग रहेंगे तब होगा साथ रहेंगे तभी होगा अब कोई आपको ये कहेगा साथ नहीं रहेंगे तो विकास होगा सही है कि गलत है अपन मान लो साथ छोड़ छोड़े बच्चे को छोड़ ही छोड़ें कि नहीं तू अपने हाल पर अपना विकास कर करदशी करने के बाद में कोई मतलब नहीं तू कहाँ रह रहा है क्या रह रहा है ऐसा पॉसिबल है क्या अपने ठीक मर जाए अपने तो माता पिता बेटा कहाँ गया ये ही मूल्य हैं जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर क्या है टेंथ चौदह साल के ऊपर ही ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में तो ये सिस्टम है कि चौदह साल का बच्चा हो गया ना अब वो माता पिता के साथ नहीं रहेगा अपन जैसे बीए करते हैं ना तूने क्या किया कोई ये कह आपको मैं ट्वेल्थ पास हूं तो आप क्या समझोगे ट्वेल्थ ही पढ़ा है बी नहीं किया मतलब वहां का कल्चर कैसा है टेंथ ट्वेल्थ करने के बाद में बच्चा पार्ट टाइम जॉब करता है अपना काम खुद करता है माँ बाप से उसको कोई मतलब नहीं है माँ बाप से वो मिलने जाता है तो तीन बार फ़ोन करता है पापा मैं आऊँगा आपके पास टाइम है तो पापा उसको बताते हैं कि इस दिन आना है या पापा को मिलना होता है तो पापा बेटे को फ़ोन करते हैं कि मैं आऊँ मिलने के लिए फिर वो टाइम बताएंगे तब जा के बेटा मिल पाएगा ये होता है अपने यहाँ पर क्या सिस्टम है पता नहीं पापा जी कब मतलब ठीक है आकस्मिक निरीक्षण कर देंगे कि बेटा क्या कर रहा है कि पता क्या कभी ठीक है कहीं रूम के ऊपर पढ़ने के अलावा और कुछ काम तो नहीं कर रहा है तो आकस्मिक निरीक्षण हो जाता है यही होता है तो ऐसे मूल्य ये आलोचना करते हैं कि मानव अधिकारों की जो डेफिनेशन आप लोगों ने बनाई है ना वो अपने अकॉर्डिंग बनाई है तो जो मूवी मैं आपको बता रहा हूँ मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे वो गुजरात के एक कपल ने जो नॉर्वे के अंदर रहते हैं और ये हकीकत में हुई घटना है वहां पर क्या हुआ उनके एक बच्चा होता है बच्चा होता है तो पड़ोस में मिलने के लिए एक औरत आती है औरत औरत आकर के पूछती है आई जाते हैं ना मिलने के लिए कैसे हो क्या हालचाल है तो उनसे पूछा जाता है कैसे हैं आप क्या हालचाल है उसने कहा बढ़िया है तो उसने से देखा आपका घर छोटा है हाँ बेड ये एक ही है उसने कहा हाँ एक ही बेड है तो आप कहाँ सोते हो उसने कहा बेड पर आपके हस्बैंड यहीं पर और बच्चा बच्चा भी यहीं पर वो महिला बाहर जाती है और बाहर जा कर के पुलिस को फोन कर देती है कि यहाँ पर एक इंडियन फैमिली रहती है जिनके जो बहुत ही गरीब है उनके घर में है ना मतलब बेड पर बच्चे को सुलाने के लिए अलग से बेड भी नहीं है यानी उसके लिए अलग व्यवस्था नहीं है तो इन कंट्रीज में क्या होता है यदि माता पिता सक्षम नहीं है ना तो उन देश की सरकार है ना उसके लिए पैसा देती है और सरकार पूरी व्यवस्था करती है क्यों वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा चीज़ होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है तो फिर उनको सरकार वहां की उस बच्चे को ले जाती है उनको केस लड़ना पड़ता है और दो साल तक सरकार बच्चे को नहीं देती है बाद में भारत की सरकार जो है ना मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंडियन एम्बेसी ने इंटरफेयर किया ना तब जाकर के वो बच्चा वापिस इंडियन कपल को मिला तो आई होप अब आप समझ गए होंगे मूल्य क्या है इसलिए ऐसे मूल्य मानव अधिकारों की आलोचना करते हैं क्लियर है बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म बताया था मैंने बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है क्या होता है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर हो जैसे भारत में बहुसंस्कृतिवाद पाया जाता है लेकिन इंटरनेशनलिज्म के <laughs> गुलटी तारक में तागा उल्टा चश्मा ठीक है ये तो होता है ना एग्जाम्पल के हैं वो एक ही एग्जाम्पल मेरे पास में और ये होता है कि दोबारा स्टूडेंट क्लास में बैठ जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कौन सी नया एग्जाम्पल दें हाँ वही तो वो घुमा फिरा करके वही चीजें आती है तो पहले भी यही दे रहा हूँ मैं पहले पढ़ाता था तभी ये एग्जाम्पल देता हूँ बहुसंकृतिवाद आता है तब नए एग्जाम्पल कहाँ से लेकर के हूँ ठीक है एशियाई मूल्य आएंगे तो वही मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे का एग्जाम्पल बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं कि भारत से जैसे कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो वहाँ पर संख्या में कम होता है और वहाँ पर क्या होते हैं उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है उसको राइट्स नहीं दिए जाते हैं जबकि वो नागरिक अधिकारों की मांग कर रहा है यहाँ पर तो बहुसंस्कृतिवादी ये कहते हैं कि मानव अधिकार जो है ना ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जानी चाहिए नागरिक अधिकारों की बात की जानी चाहिए तो बहुसंस्कृतिवाद जो है ये भी आलोचना करते हैं बहुसंस्कृतिवादी विचारक है ये भी आलोचना करते हैं मानव अधिकारों की ठीक है अब अपने को ये पढ़ना है कि ऐसे मूल्य में कौन कौन से थिंकर है बहुसंस्कृतिवाद के कौन से थिंकर क्या कह रहे हैं ठीक है चलिए आगे क्लियर है पॉइंट एशियाई मूल्यों के प्रमुख समर्थक है माथिर मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री थे माथिर मोहम्मद प्रधानमंत्री थे एक राष्ट्रपति थे एक जेट तो पता नहीं ऐसे सिंगापुर के ली कुआन यू ठीक है ये दो थिंकर हैं जो ये वाली बात रखते हैं जो मैंने आपको बताई कि ऐसे ही मूल्य अलग हैं और मानवाधिकारों की जो घोषणा की गई है वो मानवाधिकार के मूल्य उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं कौन कौन से माथिर मोहम्मद और ली कुआन यू ऐसे मूल्यों की बहस मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पश्चिमी मूल्यों से प्रभावित है एशियाई मूल्यों की अवहेलना की गई है क्लियर है पहला पॉइंट समझ में में आ गया ना हाँ मानव अधिकारों के रूप व्यक्तिवाद को समाज व समुदाय पर वरीयता दी जा रही है देखो यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में व्यक्ति इंपॉर्टेंट है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है यानी यहाँ पर व्यक्ति के अधिकार सबसे पहले हैं कैसे जैसे समाज मान्यता नहीं दे रहा कि कोई व्यक्ति जो है वो इंटरकास्ट मैरिज करे होता था ऐसा पहले अपनी सोसाइटी में आज पचास साठ साल पहले कि उसको समाज से बाहर कर दिया और ऐसे केस देखने को मिलते थे वहां पर व्यक्ति इंपोर्टेंट है कि व्यक्ति क्या चाहता है व्यक्ति खुश रहना घर वाले चाहे खुश हैं नहीं है व्यक्ति खुश रहना चाहिए तो मानवाधिकारों के रूप में व्यक्तिवाद पहले है वेस्टर्न कंट्रीज में जबकि एशियाई मूल्यों में पहले अपन किसको मानते हैं समाज और समुदाय पहले अपने लिए सोसाइटी इंपोर्टेंट है ठीक है अधिकारों को कर्तव्य की तुलना तो में वरीयता दी गई है वहां पर जबकि अपने आप पर कर्तव्य की पालना पहले है पहले आप अपने कर्तव्य को देखो आप अपना कर्तव्य करोगे तो सामने वाले के अधिकार खुद ही बच जाएंगे सामाजिक और आर्थिक की बजाय नागरिक राजनीतिक अधिकारों को वरीयता दी गई है मैंने ये भी आया अपने अपने लिए पहले कौन से अधिकार है सामाजिक आर्थिक अधिकार जबकि वहां पर कौन से अधिकार है यूएसए कौन सा अधिकार था पहली दुनिया पहला अधिकार कानूनी राजनीतिक का अधिकार तो वहां पर जो नागरिक अधिकार है राजनीतिक अधिकार है उनको वरीयता दी गई है ना कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को ठीक है बहुसंस्कृतिवादी ये अधिकार की सार्वभौम घोषणा का विरोधी है ऐसे कोई मानव अधिकार हो ही नहीं सकते जो यूनिवर्सल हो क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार अधिकार बदल जाते हैं ठीक है यहाँ पर अलग अधिकार है और अपन देश के अंदर ही आप बात करो पाण्डिचेरी जाते हैं गोवा जाते हैं तो यहाँ का जो कल्चर होता है लक्षद्वीप है अंडमान निकोबार है वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग होता है तो ये तो इंटरनेशनलिज्म की बात हो गई कि सार्वभौमिक अधिकार हो सकते हैं देश में अधिकार बदल जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद उनतीस से तीस ये बहुसंस्कृतिवाद के, के अच्छे उदाहरण है अपन ने जो अल्पसंख्यक है ना उनको भी राइट्स दे रखे हैं अलग से अपने संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेदों में उनतीस और बहुसंस्कृतिवाद का लक्ष्य है अप्रवासियों अल्पसंख्यकों स्वदेशी समाज के बताया था जो बिल्कुल हास्यकरण जो हास्य पर है तो हास्यकरण वाले समुदाय को संरक्षण देने की बात करते हैं बहुसंस्कृतिवादी बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन बहुसंस्कृतिवाद सबलटन है वो ऐसा होना नहीं है ऐसा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब अल्टरन है समाज में क्या स्थिति है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है सामाजिक स्थिति कैसी है राजनीतिक स्थिति कैसी है राजनीतिक भी ही नहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ठीक है आर्थिक आधार पर चलो बहुत बढ़िया है इन सामाजिक स्थिति कैसी है उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है एजुकेशन मिलती है उनको शिक्षा की स्थिति कैसी है इसलिए वो हाष्य करता है ठीक है और ऐसी बात करने वाला विचार है कि किसी की स्थिति आर्थिक बहुत बढ़िया हो सकती है हो सकता है वो राजनीतिक आधार पर पिछड़ा हुआ हो हो सकता है वो सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ तो उसको वो वाला आरक्षण देना चाहिए जिसमें वो पिछड़ा हुआ है ऐसी बात कौन करता है माइकल बोल्जर बहु बहुलवादी न्याय की बात करता है न्याय की बात करता है बताया था मैंने समानता वाले टॉपिक में जटिल समानता से जुड़ा हुआ है बोलवादी न्याय की बात करता है कौन माइकल बोच ठीक है ये अपन बहुसंस्कृतिवाद पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब भी आएगा कि बहुसंस्कृतिवाद को सबसे पहले जिस देश ने अपनाया वो कौन सा है कनाडा ने इसीलिए अपने इंडियन सेना सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं कनाडा के अंदर खास तौर तो से पंजाबी सरदार हर तीसरा व्यक्ति वहां पे सरदार जी मिल जाएंगे हुँ? हाँ मिनी इंडिया बोलते हैं कनाडा को प्रकृति के आधार पर अधिकारों का वर्गीकरण एक नकारात्मक अधिकार होते हैं और एक सकारात्मक अधिकार होता है नकारात्मक अधिकार कौन से हैं राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कैसा अधिकार हो जाता है नकारात्मक हो जाता है इस टॉपिक की, की बात करें अधिकार की तो नकारात्मक अधिकार होते हैं जिन पर राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता हालांकि ऐसा नहीं होता है कि राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाए सकारात्मक अधिकार वो होता है जिसमें राज्य है ना कुछ प्रयास करता है और जो हास्यकृत लोग हैं उनके अधिकारों को जिन्हें अधिकार नहीं मिले हुए हैं उनको अधिकार देने का प्रयास करता है जैसे राज्य के द्वारा सहायता दी जाती है शिक्षा में स्वास्थ्य में कानूनी सहायता विचार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार रोजगार का अधिकार ये कैसे एग्जाम्पल है सकारात्मक अधिकार के एग्जाम्पल सकारात्मक अधिकार समाजवादी राज्य से जुड़ा हुआ है नकारात्मक अधिकार पूंजीवादी राज्य से ठीक है देखो कल्याणकारी राज्य वैसे तो समाजवाद से जुड़ा हुआ है लेकिन अब इस युग में क्या है इस टाइम पर हर देश अपने आप में ये कहता है कि हम कैसे देश हैं कल्याणकारी राज्य हैं हर देश अपने आप को वेलफेयर बताता है हर देश ये कहता है कि हम भी कल्याणकारी काम करते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं बताएगा तो जनता विरोध करने लग जाती है ठीक है वैसे कल्याणकारी राज्य किससे जुड़ा हुआ है समाजवादी राज्य से जुड़ा हुआ है अन्य प्रकार के वर्गीकरण नैतिक अधिकार नैतिक अधिकार एक प्रकार के यूनिवर्सल राइट होते हैं जैसे लेकिन ये है ना कानून बाध्य नहीं होते जैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए ये नैतिक अधिकार है लेकिन अपन दिन में कितना झूठ बोल जाते हैं अपने खुद को ही पता नहीं है ना तो नैतिक अधिकार ये खास तौर से यूनान में प्रचलित था जिसकी बात कौन करते हैं प्लेटो सोक्रेट्स और प्लेटो फिर नागरिक अधिकार राजनीतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार में कौन सा अधिकार आता है जैसे वोट देने का राइट का राइट राइट आ आ गया गया है ना उम्मीदवार को चुनाव चुनाव खुद लड़ सके राजनीतिक अधिकार है ऐसे सामाजिक अधिकार की धर्म जाति लिंग वंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए सांस्कृतिक अधिकार जो बहुसंस्कृतिवादी फॉलो करते हैं वो वाला सांस्कृतिक अधिकार है पर्यावरणीय अधिकार आर्थिक अधिकार तो अधिकारों के और भी वर्गीकरण हो सकते हैं इनके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं अधिकारों के लेकिन आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा कि अधिकार किसकी बात कर रहा है नैतिक अधिकार कौन से होते हैं बुजुर्ग बच्चों की देखभाल का अधिकार शिक्षक को सम्मान पाने का अधिकार नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका पालन नैतिकता के आधार पर किया जाता है जैसे हर पिता का नैतिक अधिकार है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते हैं देखिए चाहते तो हर माता पिता है नागरिक अधिकार कानून के समक्ष समानता का अधिकार विधि का शासन जीवन का अधिकार प्राण देख स्वतंत्रता ये ना नेचुरल राइट भी है प्राकृतिक अधिकार भी है वाक कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति का अधिकार अनुबंध का मतलब होता है किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना जिस जमीन खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है इकरारनामा बोलते हैं हिंदी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं अपने जैसे धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार दे दिया अब वो पूछेगा कि ये कौन से अधिकार में आता है नागरिक अधिकार सामाजिक अधिकार राजनीतिक अधिकार किस में आएगा नागरिक अधिकार में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है और ऑप्शन वो दे दे धार्मिक अधिकार तो फिर किस में चला जाएगा ये धार्मिक अधिकार में चला जाएगा राजनीतिक अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार वोट देने का अधिकार एक व्यक्ति एक वोट एक मोल कौन करता है इसकी बात बेंथम बताया था कि मैंने आया था पहले नहीं है जैसमील है ना वो बहुल मतदान की बात करता है कौन बात कर रहा है बहुल मतदान की जयसमील क्योंकि तो बेंथम कहता है एक व्यक्ति होगा ना वो कितने वोट देगा काउंट भी कितना होगा एक जयसमिल कहता है कि एक तो व्यक्ति है जो वोट दे रहा है पढ़ा लिखा है एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वैल्यू उसकी ज्यादा होनी चाहिए जो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ये सबके अलग अलग वोट डिसाइड करता है इसको अपन क्या बोलते हैं बहुल मतदान तो जेएस मिल बहुल मतदान की बात करता है लेकिन वर्तमान में दुनिया में कहीं पर भी बहुल मतदान नहीं है ठीक है तो अपने देश में भी यही है एक व्यक्ति एक वोट देकर के आता है सार्वजनिक नियुक्ति पाने का अधिकार सरकार का विरोध या समर्थन करने का अधिकार सार्वजनिक नीति निर्माण व कार्यो में सहभागिता का अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार ये दूसरी दुनिया का अधिकार है राइट यूएसएसआर रशिया का ये समाजवादी कल्याणकारी व्यवस्थाओं में होता है जैसे रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार कौन से होते हैं अपनी भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार ये अपने आर्टिकल 29 में लिखा गया ऐसे कैसे भाषा समझते हो आप समझते हो ना लिपि क्या होती है जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी ऐसी उर्दू की लिपि अपन जो मैसेज टाइप करते हैं मैं आ रहा हूँ वो कौन सी लैंग्वेज है इंग इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं ये तो आजकल बोलने लग गए हिंदी मिला इंग्लिश मिलाकर के इंग्लिश हो गई भाषा तो हिंदी है मैं आ रहा हूँ लेकिन लिपि कौन सी में टाइप करते हैं अपन अंग्रेजी की लिपि में टाइप करते हैं रोमन में अपन ऐसे ही तो लिखते हैं जैसे मैं लिख दिया अब मैं सब तो कौन सी में भाई अंग्रेजी वाला इसको पढ़ लेगा अंग्रेजी जानने वाला इंग्लिश जानने वाला लेकिन इसका मीनिंग समझ पाएगा क्या तो ये भाषा हिंदी है लेकिन लिपि कौन सी हो गई अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है रोमन ठीक है ये प्रक होता है भाषा और लिपि में समर्थक है बहुसंस्कृतिवादी बिखु पारिक विल किमलिका विम नहीं है ये विल है ठीक है आपकी विम लिखा हुआ है क्या विल किमलिका है विल किम्लिका मेरियम यंग चार्ल्स टेलर ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक है ठीक है बिखु तो इंडियन ही है लेकिन ब्रिटेन के सांसद रह चुके हैं और अभी भी ये किताबें लिखते हैं विलकिम लीका मरियम यंग चार्ल्स टेलर चार्ल्स टेलर समुदायवादी भी है पर्यावरणीय अधिकार समर्थक अर्नेनेस जेम्स लवलोक वंदना शिवा क्या आता है इसमें शुद्ध हवा का अधिकार शुद्ध पर्यावरण परमाणु मुक्त विश्व शुद्ध जल का अधिकार ये सारे पर्यावरणीय अधिकार हैं अब आते हैं अधिकारों के सिद्धांत अधिकार समझ में आ गए अपने को मोटे मोटे तौर पर अधिकार क्या होते हैं सिद्धांत देखो नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का क्या मतलब है जो अपने को किसने दिए हैं नेचर ने दिए प्रकृति ने दिए हैं तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक ये कहते हैं कि अधिकार प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं ठीक है अधिकार किसने दिए हैं प्रकृति ने दिए हैं इसके समर्थक कौन कौन है लोक स्पेंसर थॉमस पेन जेफरसन ब्लैक स्टोन वॉल्टियर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होब्बस और थॉमस पेन ठीक है याद तो सारे ही करने हैं अभी ऐसे इम्पोर्टेंट बताते ही मेरे साथ एक टीचर हैं गवर्नमेंट टीचर हैं प्रिंसिपल हैं तो वो क्या है उनको कोचिंग में एक दो बार पढ़ाने के लिए बुलाया तो बच्चों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि अच्छा नहीं पढ़ाते समझ में नहीं आता होता है ना लेकिन बहुत बढ़िया नॉलेजेबल आदमी है मैंने कहा कि सर आप स्कूल का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट कैसे रख देते हो टेंथ का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट ट्वेल्थ का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट उन्होंने मेरे को एक बात बोली मैं बच्चों को ये कह देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है फिर वो उसको याद कर लेते हैं तो मैंने जैसे ये बताया होब्स इंपोर्टेंट थॉमस पेन इम्पोर्टेंट अब बाकी के चाहे याद नहीं हो आपको लेकिन ये वाले तो आप ऐसे रट के जब भी ये नाम आएगा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हाँ थॉमस पेन और होब्स तो याद सारे ही करने ये मैंने बताया कि ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर ठीक है ना अब आ जाए स्पेंसर और आप बोलो मेरे को कि सर स्पेंसर आ गया आपने तो बताया था थॉमस पेन आएगा ठीक है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक उपयोगिता कल्याण का सिद्धांत नाम से पता चल रहा है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण यानी जो सामाजिक उपयोग में ज्यादा है जो अधिकतम लोगों का कल्याण कर रहा है वो वाला विचार है इसके समर्थक कौन है बेंथम लास्की एक और इसमें सामाजिक उपयोगिता में आता है क्या एक विचारक और रोस्को पाउंड ये भी पूछता है पाउंड प्रकृति के अधिकार समझ में आए आपको प्रकृति ने जो अधिकार दिए है ना वो वाले हैं फिर इसमें आओ आप कानूनी अधिकारों के सिद्धांत में अधिकारों का जो कानूनी सिद्धांत है ना ये कहता है कि अधिकार तो वो होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं कानून बना करके राज्य देता न, है ना वो अधिकार होते हैं अधिकार कौन से होते हैं जो कानून बनाकर राज्य देता है जो बात तुम बोल रही थी इतनी देर से लो 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 वो वाला ठीक है यानी ये वाले सिद्धांत वाले प्राकृतिक अधिकारों के आलोचक हैं ये आलोचना करते हैं प्राकृतिक कर अधिकारों की क्यों प्राकृतिक अधिकारों वाले क्या कह रहे हैं अधिकार से कहा प्रकृति ने दिए ये कहते हैं प्रकृति ने नहीं दिए प्रकृति ने तो बहुत सारे अधिकार दिए ले ले लो लेकिन अधिकार सकते ले हैं जो संसद कानून बना करके देती है पार्लियामेंट विधायक वही अधिकार ले सकते हो आप प्राकृतिक कानून नहीं ले सकते जैसे एल प्राकृतिक अधिकार है लेकिन मिला क्या आज तक नहीं मिला कब आकर के मिला जब कानून बनाया गया तो कट्टर आलोचक है प्राकृतिक अधिकारों के कौन कानूनी सिद्धांत वाले अब इसमें एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ये है होब्स यहाँ पर भी है और होब्स यहाँ पर भी है जबकि तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ये वाले हमेशा आलोचना करते हैं इसकी ये पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों में होब्स का नाम है ये ध्यान रखना है अपने को पहले साथ में क्यों रखता है क्योंकि अपन होब्स का समाज देखा था कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे हैं दुर्गुणी है और लेवियाथन को कहां से लेकर के आते हैं बाहर से लेकर के आते हैं बताया था मैंने अब ये दुर्गुणी तो है लोग ये कभी भी लेवियाथन का विरोध नहीं करेंगे लेकिन लेवियाथन का विरोध कब कर सकते हैं ये आत्मरक्षा के नाम पर अगर इनके प्राणों को संकट पहुंचाने लग जाए ना लेवियाथन तो ये लेवियाथन का विरोध कर सकते हैं बाकी लेवियाथन का विरोध ये कभी भी नहीं करेंगे तो आत्मरक्षा के नाम पर कर सकते हैं आत्मरक्षा कैसा राइट है नेचुरल राइट है ठीक है और कानूनों को ये सर्वोपरि मानते हैं कि मैं अपने अधिक आ, अधिकार और शक्ति किसको देता हूँ इस व्यक्ति को देता हूं लेवियाथन को तो कानून इन रूप से ये कानून लागू करेगा कानून बना करेगा तो होप्स दोनों में है किसने जलाया था ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाया गया था लेवियाथन को ठीक है होप्स बेंथम ऑस्टिन बेंथम यहां पर भी है सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत में बेंथम पर भी, ठीक है ऑस्टिन है और भी विचारक है एक जीन आएगा, नाम सुना होगा डाइसी का तो भी ये भी डाइसी, अब आओ ऐतिहासिक सिद्धांत पर रूढ़ीवादी सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल राइट्स कौन से होते हैं जो अपने को परंपराओं के द्वारा दिया गया है परंपराएं बना करके अधिकार बन जाते हैं कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं रूढ़ी प्रथाएं होती हैं कि वो अधिकार बन जाते हैं अपने आप ठीक है तो रूढ़ी प्रथाएं परंपराएं अधिकार बनती हैं इसका समर्थक है एडमंड बर्क हेनरी मैन मेकाइवर ये इसके समर्थक हैं अधिकार ना तो प्राकृतिक होते हैं ना ही कानूनी होते हैं अधिकार कौन से होते हैं जो इतिहास में हजारों साल की परंपराओं से चले आ रहे हैं वे ही क्या बन जाते हैं समाज द्वारा उनको मान्यता दे दी जाती है राज्य समर्थन देता है और वही अधिकार बन जाते हैं जैसे घूंघट प्रथा प्राकृतिक अधिकार है कानूनी अधिकार है वह अपनी घूंघट रखते हैं कि नहीं रखते तो वो भी एक अपने आप में क्या बन गया अधिकारी बन गया कि आप हटा नहीं सकते हो रखना पड़ेगा तो किसी का तो अधिकार है कि वो तो वो क्या है परंपरा है ठीक है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में आदर्शवादी सिद्धांत से ग्रीन कांट आदर्शवादी और ब्रेडले, ठीक है मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्स, न्यू मार्क्सिस्ट आ जाएंगे इसके अंदर इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी रॉबर्ट नोजिक और कौन कौन है स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक चार नाम बताए थे तंत्रवादी नोजिक और हेयक, हेयक, अभी भी एक रह गया सब मिलकर के भी चार नहीं बता सके नोजिक बर्लिन हेयक और रिडमैन प्राकृतिक अधिकार है? प्रकृति द्वारा दिए गए हैं ये छीने नहीं जा सकते हैं राज्य से भी पहले ये अधिकार आए हैं प्राकृतिक अधिकार सर्वव्यापक होते हैं असीम होते हैं निर्बाध होते हैं राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है बल्कि रक्षक है समर्थक कौन कौन है कौन सा अधिकार की बात करता है आत्मरक्षा के अधिकार की बात करता है जो लोग तीन प्राकृतिक अधिकार बताता है कौन कौन से हो जाएगा भी कंप्लीट यही देख रही है कि आज होएगा कि नहीं होएगा कितना ही नहीं छूटेगा तो बोलता हूँ जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार ठीक है तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी थॉमस पेन की बुक का नाम है राइट ऑफ मैन और कॉमन सेंस राइट ऑफ मैन ठीक है आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं एडम स्मिथ एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है ठीक है ये तो पढ़ाओगे मतलब इकोनॉमिक्स यही दिखती है ना तभी इतने जोश के साथ में बोल दिया आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ रिकार्डो माल्थस ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं तीन जो क्रांतियां हुई ये तीनों प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है कौन कौन सी ब्रिटेन की क्रांति सोलह सौ अठासी में अमेरिकन क्रांति 1776 में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में मानव में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब होती है इसलिए मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की आलोचना आलोचना एक तो करते हैं इसकी कानूनी अधिकारों के समर्थक और दूसरे हैं ऐतिहासिक अधिकारों के समर्थक तो कानूनी अधिकारों के समर्थक कौन कौन है बेंथम, ऑस्टिन और ऐतिहासिक अधिकारों में ऐतिहासिक अधिकारों में मेकाइवर हेन्द्रीमैन एडमंड बर्ग ठीक है ये आलोचना करते हैं तो बेंथम, एडमंड बर्ग, हिगल, ग्रीन अब देखो इन दोनों की जो बातें हैं ना प्राकृतिक अधिकारों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है अपने क्या आता है कट्टर आलोचक है बेंथम बेंथम बोलता है प्राकृतिक अधिकार क्या है पूर्ण है, केवल अलंकारिक बकवास है ठीक है प्राकृतिक अधिकारों को बोलते हैं पर टिकी हुई बकवास है, अराजक ब्रह्म बोलता है निरर्थक बोलता है ये शब्दावलियां इंपॉर्टेंट है ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेना ठीक है एडमेंडबर्ग प्राकृतिक अधिकारों को अराजकता का पाचन बोलते हैं एडमेंड बर्ग प्राकृतिक अधिकार अराजकतावादी धारणा है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक मानव अधिकारों के बारे में चौकर चीथड़ा छोटा गंदा टुकड़ा मात्र है एडमेंट बर्ग आलोचना करते हैं रूसो की किताब का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रूसो और एडमिन बर्ग में कभी नहीं बनती थी बताया भी था पहले नहीं बताया एक बार एडमर्ग असेंबली में भाषण दे रहा था तो वहां पर रूसो पहुंच गया रूसो जा कर के गालियाँ निकालने लग गया इसको रूसो ऐसे रहा करता था पागलों के जैसे फटे पुराने कपड़े पहन करके मन करता वहीं सो लिया मन किया वहीं उठ लिया कोई घर परिवार नहीं था इसका कहा जाता है कि रूसो की जब मृत्यु हुई थी ना तो इसको दफनाने के लिए चार कंधे भी नहीं थे नगर निगम ने दफनाया था इसको उसको आज अपन क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं पोलिटिकल साइंस में नहीं बी -एड, बी एड करते हैं जो रिसर्च करते हैं उसमें भी इसको पढ़ा जाता है ऐसा ही होगा दिन पढ़ते ही रहते थे ना कुछ काम ही नहीं था तो ऐसा ही होगा सही बात है चलो, ऐसा होगा हो ऐसो के साथ क्या किया इसने ऐसा अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह बोलता है कि अधिकार ईश्वर नहीं बल्कि अधिकार कौन बनाता है राज्य जबकि तो अपन ने क्या पढ़ा है यदि यूनिवर्सल अपन बात करें तो अधिकार समाज की समाज द्वारा मान्यता दी जाती है अधिकारों को राज्य इनका श्रेष्टा नहीं है लेकिन कानूनी अधिकार वाले क्या बोलते हैं किनका निर्माता कौन है राज्य ठीक है कॉन्ट्रडिक्शन इन में ध्यान रखना अधिकार विधिया कानून द्वारा समर्थित तो होते हैं ये ऐसी मित नहीं होते हैं ये सिद्धांत संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण का परिणाम है समर्थक होब्स होब्स की कोटेशन आती है जिन समझौतों के पीछे तलवार की शक्ति नहीं होती वे केवल शब्द आडंबर होते हैं तो हुआ क्या था पढ़ेंगे अपन ऑफिस में लेकिन आ जाता है तो बताने का भी मन करने लग जाता है इन विचार को ही जो विचार बनते हैं ना वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनते हैं होप्स ने यह देखा था होप्स के टाइम पर जो ब्रिटेन का राजा था ना उसको जनता ने बाहर निकालकर राज दरबार से और मार दिया था बड़े चौक के अंदर इसको फांसी पर लटका दिया था तो होप्स ने ये देखा कि राजा है ना निरंकुश होना चाहिए राजा यदि निरंकुश नहीं होगा ना तो जनता उसको कुछ समझेगी ही नहीं तो राजा निरंकुश होना चाहिए इसलिए बोल रहा है तो कि के पीछे क्या होनी चाहिए तलवार की शक्ति तलवार का मतलब कानून की शक्ति होनी चाहिए अगर कानून नहीं होगा ना उनके पीछे तो वो क्या होंगे केवल शब्द होंगे और कुछ नहीं होंगे बेंथम राज्य प्रभु की आदेश है अधिकार नहीं क्या हो गया कभी पेन गिरा रही है कभी क्या गिरा रही है तो यह सब तो ये उस सब बोरिंग लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पहली यूनिट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये बात बोरिंग है तुमने भी बोली थी कल परसों ये तो बोरिंग यूनिट है ठीक है कानूनी अधिकारों के समर्थक कौन है बोदा हॉब्स बेंथम जॉन ऑस्टिन होलैंड जी डी रिची मतलब है, नेट की तैयारी नेट के बाद में प्रोफेसरी सब्जेक्ट से बढ़ना मतलब और फिर ये कहें कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है ये वाली है। पढ़नी तो सारी पड़ेगी अपने को कुछ भी अपन छोड़ नहीं सकते हैं है। नहीं आ रहा प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना कौन करते हैं तो कानूनी अधिकारों के समर्थक है ऐतिहासिक अधिकारों वाले ऐतिहासिक अधिकारों में एडमिंड बर्ग तौर से फिर आता है सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत लास्ट की बेन थम मिल एक करोड़ लिखा मैंने यहाँ पर रोस्को पाउंड वो भी लिख लेना रास्कोपाउंड भी आ जाता है लिखा हुआ पाउंड पाउंड पा। ये रहा समकालीन समर्थक है रोस्को पाउंड सेपी वॉन न्यूमैन ये कहते हैं अधिकार वे ही मान्य हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता होती है वो ये अधिकार मान्य है जिनकी सामाजिक यूटिलिटी नहीं हो वो अधिकार मान्य नहीं होंगी अधिकारों का रूडीवादी सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत समर्थक बर्क मेकाइवर सर हेनरी मैन लिख लो इनके आगे दोनों नाम मेकाइवर और हेनरी मैन मेकाइवर की तो बहुत फेमस कोट भी आती है राज्य को है ना रूढ़ी प्रथाओं परंपराओं में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए यदि राज्य रूडी प्रथाओं परंपराओं में इंटरफेयर करेगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा हेनरी मैन एडमंड बर्क ब्रिटेन की जो क्रांति थी ना जो कब हुई थी सिक्सटीन एटी एट में देखो बोलोगे नहीं ना तो ये याद भी नहीं होएंगी फिर आप ये कहोगे बोरिंग बोरिंग है बोरिंग है साथ में याद भी करो इनको ब्रिटेन की क्रांति कब हुई सोलह सौ में इसको रक्त ही इन क्रांति कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहाता फिर भी ये क्रांति थी खून खराबा नहीं हुआ ठीक है इसमें खून खराबा नहीं हुआ था रक्त नहीं बहा था क्यों कि राजा जो था ना उसने खुद ही क्या किया जनता को अधिकार दे दिए ये कहा आज से कानून जनता बनाएगी इसके लिए हम पार्लियामेंट बना देते हैं ये ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित थी तो बर्क ये कहता है कि ब्रिटेन की क्रांति ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित थी इसलिए वहां पर खून खराबा नहीं हुआ लोग नहीं मरे जबकि फ्रांस की क्रांति अमेरिकन क्रांति ये नेचुरल राइट्स पर, पर... आधारित है प्राकृतिक अधिकारों के लिए लड़ी गई और जब प्राकृतिक अधिकार के लिए कोई लड़ाई लड़ी जाती है ना तो फिर वो क्या होता है उसमें खून खराबा होता है भाई घर में जो परंपरा चली हुई आ रही है आप उसको मान्यता दे दोगे तो क्या है व्यक्ति तो क्रांति है और आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओगे तो फिर वहां पर क्या होगा भाई आपका प्राकृतिक राइट है, आप ये कहोगे मेरा प्राकृतिक राइट है वाले कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे तेरी बात तो वहां पर क्या होगा फिर वो यही है ठीक है क्योंकि वह ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी ध्यान रखना ना ब्रिटेन की क्रांति कौन से अधिकारों पर आधारित है ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया क्रांति किस पर आधारित है प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित है ऐसी बात कौन कह रहा है बर्क कह रहा है इसलिए एक ये विवाद आता है अधिकारों का बर्क पेन विवाद ये तो विचार के बर्क और ये है थॉमस पेन थॉमस पेन की बुक का नाम आया था भी राइट शॉप पेन कौन से अधिकारों में पड़ापन का समर्थक है प्राकृतिक अधिकारों का और एड़्वन बर्क एडम बर्क कौन से अधिकारों का समर्थक है बोलो तो ऐतिहासिक याद रूढ़ीवादी अधिकारों का समर्थक है ये कहता है कि ब्रिटेन की जो क्रांति है ना वो बढ़िया क्रांति है, है। ब्रिटेन के जैसे होना चाहिए ब्रिटेन की क्रांति बढ़िया क्यों है क्योंकि वो किस पर आधारित है ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित है इसलिए खून खराबा नहीं हुआ लोग नहीं मरे ये बढ़िया है तो प्राकृतिक अधिकार जो है इसके लिए यूएसए की क्रांति इसी पर आधारित थी फ्रांस की क्रांति इसी पर आधारित थी तो ये बढ़िया नहीं है अगर यहां पर भी ऐतिहासिक अधिकारों के लिए लड़ाई होती ना तो क्या होता राजा खुद ही अपने अधिकार देता जनता को यही विवाद था दोनों के बीच में ये अधिकार चर्चा में आता है ये एक विचारक है युवा लेविन युवाल लेविन 2014 में एक बुक लिखता है द ग्रेट डिबेट और डिबेट किसके बीच में एडमंड बर्क और थॉमस पेन के बीच में और द ब्रिटिश राइट एंड लेफ्ट ये किताब का नाम किसने लिखी है युवा ने दो हजार चौदह में ये किताब लिखी इससे विवाद चर्चा में आया क्या विवाद था एडमन बर्क ने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस कब लिखी 1790 में इसमें फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और लिखा कि फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार काल्पनिक का अधिकार थे जबकि ब्रिटिश रक्त क्रांति ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा अराजकता का पाचन आई थी कोटेशन और क्या कहा अराजकतावादी धारणा ये कहकर के आलोचना करता है बर्क प्राकृतिक अधिकारों की बर्क ने ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रूढ़ियों परंपराओं यथास्थितिवाद और वंशानुगत श्रेणीबद्धता का समर्थन किया पोपर माइकल ऑक्सोट एफ एक् बर्क से काफी प्रभावित है बर्क से प्रभावित कौन कौन है पोपर माइकल ऑक्सोट एक आगे भी आएगा ये ध्यान रखना है ना थॉमस पेन ने बर्ग की पुस्तक के का विरोध किया और बुक लिखी राइट में और एडमंड बर्ग की आई थी सत्रह नब्बे में ठीक है तो एडमर्ग की किताब के विरोध में थॉमस पेन बुक लिखता है राइट्स ऑफ मैन पेन ने बर्ग के तर्कों का खंडन करते हुए प्राकृतिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन किया वंशानुगत राजतंत्रीय प्रणालियों के विरुद्ध पेन ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया पेन ने सामाजिक कल्याण को भी अधिकारों के साथ जोड़ा कुल मिलाकर के पेन जो है वो प्राकृतिक अधिकारों का कट्टर समर्थक है जबकि एडमन बर्क ऐतिहासिक अधिकारों का समर्थक है ये कोटेशन बोलता है बर्क मृतक के प्राधिकार को जीवित लोगों की स्वतंत्रता अधिकारों पर स्थान देना चाहता है फिर आता है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ कौन है मेकाइवर यह रीति रिवाज जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो जिन्हें राज्य कानून में बदल दे अधिकार बन जाते हैं ये क्या कहता है वही बात है अपन ने देखो आप ऐतिहासिक अधिकारों में मैंने नाम लिखा है मेकाइवर का वही बात बोल रहा है ये कि ऐसे रीति रिवाज जो कानून बना दिए जाते हैं राज्य के द्वारा वही अधिकार होते हैं अधिकारों का आदर्शवाद या नैतिक सिद्धांत ग्रीन कांट अधिकार मानव के आंतरिक विकास की बाह्य दशाएं हैं ग्रीन अधिकार क्या है मानव के आंतरिक विकास के लिए बाहरी यानी इनके बिना आंतरिक विकास नहीं हो सकता है ग्रीन के अनुसार व्यक्ति की मांग अधिकार इसे समाज स्वीकृति देता है केवल नैतिक मांग अधिकार बनती है व्यक्ति समाज के आदर्श व कल्याण में कोई अंतर नहीं है इसकी किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नहीं ये नहीं है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्लिगेशन ऐसे करके किताब का नाम है इसका ये लिख दिया पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर लिखा हुआ है Political इसमें obligation obligation obligation. है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ऑब्लिगेशन हम्म ग्रीन की ओ कह बारकर ग्रीन के लिए कहता है कि ग्रीन का अधिकार इस टाइप का है जैसे मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं ये कौन कह रहा है बारकर ग्रीन के लिए अब कई बार ये कोटेशन पूछी जाती है ना तो बारकर ऑप्शन में नहीं रहता तो अपना आंसर क्या चला जाएगा ग्रीन सामान्य हित तो व्यक्तिगत हित तो में अंतर हो सकता है कांट के बारे में पढ़ा था अपने संकल्प की स्वतंत्रता की बात करता है स्वतंत्रता में पढ़ा था ना कांट संकल्प की स्वतंत्रता की बात करता है विकल्प की स्वतंत्रता की बात करता है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत अब मार्क्स आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने तो ये अधिकार भी किसको मानता है अधिकारों को आर्थिक व्यवस्था और प्रोडक्शन से संबंधित मानता है किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं ठीक है हमेशा बुर्जुआ के पास में रहे अधिकार सरवारा के पास में कभी भी अधिकार नहीं रहे पूंजीवादी व्यवस्था सरवारा के अधिनायक तंत्र में अधिकारों का सूत्र रहेगा इन सरवारा का अधिनायक तंत्र आ जाएगा कब आएगा जब साम्यवाद आएगा राइट अधिकारों का सूत्र रहेगा हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार हर एक को अपने कार्य के अनुसार पढ़ाता पन्ने आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा और योग्यता के अनुसार काम करेगा तो वही बात है यहाँ पर यानी योग्यता के अनुसार तो क्या करेगा काम करेगा और जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार प्राप्त करेगा साम्यवाद में क्या होगा एक से अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा बहुसांस्कृतिक अधिकार बहुसांस्कृतिक अधिकार कौन से होते हैं नागरिक अधिकार संस्कृति से संबंधित अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकार बिखुपारी किससे जुड़ा हुआ है और कौन कौन थे बिल किमलिका और चार्ल्स टेलर ठीक है एक बर्लिन भी इससे जुड़ा हुआ है बर्लिन भी बहुसंस्कृतिवादी विचारक भी है और क्या नाम आया था एक और विचारक का नाम आया था ना? किमली का, तीन प्रकार के अधिकारों का वर्णन करते हैं स्वशासन का अधिकार बहुसंजातीयता का अधिकार विशेष प्रतिनिधित्व तो, संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार देने से उनमें सुरक्षा की भावना आती है तो मेन जो अधिकार है ना वो अल्पसंख्यकों का अधिकार है बहुसंस्कृतिवादी कौन से अधिकारों की बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करते हैं नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं समुदायवादी बोलवादी अधिकार सिद्धांत समुदायवादी विचारक कौन कौन है माइकल बोल्जर और, और भी नाम आए थे ना स्वतंत्रता समानता न्याय सब में नाम आए समुदायवादियों के और कौन है माइकल बोल्जर तो सामने लिखा हुआ है इसके अलावा एक नाम तो बताओ माइकल बोल्जर टेलर माइकल सेंडल सेंडल से तो याद रख सकते हो ना ठीक है पुस्तक है माइकल बोल्जर की स्पेयर्स ऑफ जस्टिस कौन सी किताब है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस ये कहते हैं अधिकारों का सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज एक भ्रमित खोज है अधिकारों का सार्वभौमिक सिद्धांत कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो न्याय की बात करता है ना सबकी अलग अलग नीड होती है तो अधिकार भी सबके क्या होंगे अलग अलग होंगे उदार समतावादी उदार समतावादी विचारक कौन कौन है एक तो दिग्गोन और समतावादी विचारक जॉन रोल्स अमरते सेन जॉन रोल्स अमरतः सेन ब्रू शेख रमन आए थे नाम कब मिले थे आपको कल परसों फ्राइडे को मिल गए थे मतलब सैटरडे को टू डू बाय नहीं है ना अपन हम फिर पूछा था ये बात पता चला कि नहीं है हां नोट चलो ठीक डोरकिन की किताब है टेकिंग राइट सीरियसली पढ़ना जितना पढ़ा दिया ना अपन ने उतना पढ़ने की कोशिश करना उनके एमसीक्यू जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं आपको देखो ये तो क्या बोलता है डोरकिन व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के की तरह होते हैं अमेरिकी कानूनी दार्शनिक डोरकिन के अनुसार अधिकार तुरू का पत्ता होता है वे व्यक्ति के अधिकारों को सार्वभौमिक नैतिकता से भी पहले रखने की वकालत करते हैं नैतिकता के स्तर पर दो ही न्याय उचित अधिकार है एक तो समानता यानी संसाधन समता का अधिकार आया था संसाधनों की समता किससे जुड़ी हुई है डोरकिन से जुड़ी हुई है? है और डोरकिन नहीं आए तो क्षमतावादियों से जुड़ी हुई है मानवीय प्रतिष्ठा गरिमा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार गलत धारणा है से कौन कौन सी शब्दावलियां जुड़ी हुई है न्याय पढ़ाता ना डोरगिन का न्याय समानता में कौन कौन सी शब्दावलियां जुड़ी हुई है नहीं नहीं शब्दावलियां इसके न्याय में जैसे अपने पढ़ा था ना संवेदनशीलता नीलामी फिर इधर आ जाएगा असंवेदनशीलता नीलामी एंडोमेंट Insensitive, option, आ, हा, हा। तो ऐसे पूछ रहा हूँ फिर और कौन से थे अधिकारों का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है रॉबर्ट नॉजिक और यहीं पर लिख लो स्वेच्छा तंत्रवादी और कौन कौन से विचारक हैं नॉजिक के अलावा बर्लिन ठीक है ये मानते हैं संपत्ति का अधिकार असीम सर्व प्रमुख मानव अधिकार है नौजिक ये तो बोलता है कि अभी तक आप संपत्ति का वितरण तो कर रहे हो लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसको कमाया कैसे व्यक्ति ने इसकी प्रक्रिया कैसे है वो नहीं देखी आपने यही तो बात बोलता है आत्म स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार ये भी आया था आत्म स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार क्या मतलब है कि मनुष्य है ना अपने शरीर का स्वामी कौन है मनुष्य खुद है आती वाली कोटेशन और ऐसी कोटेशन जेस मिल की भी है नारीवादी दृष्टिकोण ये क्या कहेंगे समानता में क्या कहते हैं कौन सी समानता की मांग की थी उन्होंने

किताब कौन सी है वो किन की जस्टिस जेंडर एंड फैमिली इसमें रोल्स के सिद्धांत की नारीवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है उनका तर्क है कि अज्ञान के पर्दे के पीछे परिवार के मुखिया की तरह अनुबंध करेंगे वही पुरुष होंगे भाई जो विवेकशील वार्ताकार है ना वो विवेकशील वार्ताकार को किसको बनाया जो रोल्स ने पुरुषों को बनाया महिलाओं का जिक्र ही नहीं किया तो अज्ञान के पर्दे के पीछे जो विवेकशील वार्ताकार है वो कौन होंगे पुरुष होंगे महिलाएं नहीं होंगी कौन कह रहा है ऐसा कह रही है ये महत्वपूर्ण है किसने क्या कहा जो अपन शुरू में पढ़ ली बैसाखियों पट्टी की बकवास निर निरर्थक अराजक भ्रम अलंकारिक बकवास अराजकता का पाचन किस थिंक करने क्या बात कही है ठीक है राजनीति की केतु रूप का पत्ता किससे जुड़ा हुआ है थॉमस पेन की किताब के क्या नाम है युवान लेविन की बुक का नाम एडमंड बर्क ग्रीन माइकल वोल्जर सुसेन वोलर ये अधिकार कंप्लीट अपने छोटा सा टॉपिक अधिकार बढ़ाएगा ज्यादा बढ़ाए? देखो वही चीजें अब आपने स्वतंत्रता समानता न्याय अधिकार पढ़ाए कितनी चीजें तो ऐसी जो आपस में जुड़ी हुई है अब दिक्कत ये है कि ये जो अपने टॉपिक पढ़े हैं कितने हो गए स्वतंत्रता समानता न्याय अधिकार चार टॉपिक हो गए अब चारों टॉपिक की क्लास रेगुलरली है तो आपको रिवाइज भी हो गए बीस बीस में चीज़ें मिस मत करो क्लास मिस करते ही गड़बड़ हो जाएगी और जिस दिन ये यूनिट कंप्लीट होगी ना उस दिन आप खुद देख लेना अपने इस यूनिट के जब क्वेश्चंस निकालोगे तब खुद को पता चलेगा कितनी चीज़ें रिपीट हो रही है कितनी चीज़ें याद हो गई और जब दोबारा रिवाइज करोगे देखो बोर्ड तब तक लगता है जब अपन उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करें थिंकर इसलिए अच्छे लगते हैं कि बी ए एम ए क्या होता है शुरुआती थिंकर से करवाई जाती है क्लास पढ़ाया जाएगा तो अभी आप नेट की कोचिंग में कहीं पर देखोगे ना सबसे पहले थिंकर्स को ही पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को बढ़िया लगे और अपन क्या अपन चलेंगे यूनिट वाइज जैसे यूनिट में टॉपिक हैं वैसे ही टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे अपन ठीक है सर्दी लगने लग गई इतना ठंडा हो गया रूम नहीं वैसे हो गई तुम ने वो तो अब समझ गया तुमने कहा सर्दी नहीं लग रही है ठीक है